नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हिंदू नव संवत्सर की शुरुआत में हिंदू वर्ष के लिए कार्यक्रमों का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने माँ सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर कई रंगारंग महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी हुए। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा नव संवत्सर कार्यक्रम के दौरान मथुरा के BSA कॉलेज में आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए कहा कि नव वर्ष चैत्र मास की प्रथम तिथि से शुरू होता है। कल से नव वर्ष नव संवत्सर के रूप में शुरू हो रहा है। इसमें हमें हवन और पूजन आदि करना चाहिए, जिससे वातावरण शुद्ध होता है। हमें वृक्ष भी लगाने चाहिए, जिससे प्रदूषण खत्म होता है। उन्होंने आने वाली पीढ़ी के लिए भी अपने विचार व्यक्त किए। मथुरा से हमारे संवाददाता ओमवीर सारस्वत की रिपोर्ट। मेरे लिए बड़े परम सौभाग्य की बात है कि आज मैं इस कार्यक्रम में आपके बीच में हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ और आने वाला वर्ष हमारा बहुत खुशहाल हो, बहुत अच्छा हो। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है निरोग भारत का, कोरोना मुक्त भारत का, समृद्धशाली भारत का, खुशहाल भारत का, वो आप सब के सहयोग से वो है सपना साकार हो। मित्रों, हमारी संस्कृति सबसे प्राचीन संस्कृति है। जैसा कि कर्मवीर भाई साहब ने भी बताया कि हम सब जो कार्य हैं, हमारे जो पवित्र कार्य होते हैं विशेष तौर से हमारे घरों में, वो जो हमारा भारतीय कैलेंडर है उसी से हम लोग करते हैं। और हमारी जो संस्कृति है, अगर मेरे से आप निजी तौर पर अगर पूछें तो मैं अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को अगर बचाने का अगर बीड़ा उठाना है तो हमको ही उठाना है। और संस्कृति को आगे कैसे बढ़ाना है, इसकी शुरुआत हम कहां से करेंगे? अपने घर से। अपनी भाषा को और प्रमुखता कैसे मिले, जाके शुरुआत कहां से करेंगे? अपने घर से करेंगे। अभी मैं देख रहा हूं कि अपने घर में हूं हम, अपनी ब्रजभाषा है बोल वो धीरे धीरे कम कर रहे हैं, कर रहे कि ना कर रहे, धीरे धीरे कम कर रहे हैं। लाला स्कूल के आ रहे तो बातें प्रयास करें कि बातें अंग्रेजी में बात करें। वो अंग्रेजी खूब बोले, वो भर्राटे से बोले, पर अभी पांचवीं तक, छठी तक, दसवीं तक, कम से कम पांचवीं आठवीं तक तो भाई घर को सो माहौल दो। स्कूल पे आवे वो बैग बाद में।